नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज ही हमारे पास एक टीवी आई हुई है जो रिपेयरिंग के लिए है। तो देखते हैं किस कंपनी की टीवी है। तो इस तरह से कस्टमर ने हमको भी बांध के दिया है। सनसुई कंपनी की टीवी है ये देख सकते हैं, सनसुई यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे साइड। सनसुई कंपनी की टीवी है। अब पता नहीं इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो हम इसका कपड़ा हटाते हैं और चेक करते हैं आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, जब तक हम चेक कर रहे हैं इसको, तब तक आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए। तो लगाते हैं पावर में इसको और क्या रिस्पांस है कुछ पता चलेगा। स्विच बल्ब ऑन है और कुछ लाइट वगैरह इसमें, तो पावर की लाइट तो नहीं आ रहे दोस्तों। पावर की लाइट नहीं है, बस इसमें स्विच जला है, मतलब पावर अंदर गया है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है, ना इसकी सप्लाई बन रही है। अगर सप्लाई बनती तो पावर के इंडिकेटर ऑन हो जाती। पावर के इंडिकेटर भी नहीं ऑन हुई है। तो चलिए फटाफट से इसको ओपन करते हैं और इसको सही करते हैं। ज़रा इसकी गंदगी को साफ कर लेते हैं हम सबसे पहले। पूरा नहीं बन पाएगा क्योंकि अब इसमें समय लगेगा पूरा बनाने के लिए वीडियो। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों इसकी जो ESD है ये बिल्कुल शॉर्ट होके ख़राब हो चुकी है। तो कस्टमर की लापरवाही कहें तो क्या कहें, देख सकते हैं इतनी बुरी तरह जली। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद ही कभी इतनी बुरी तरह देखने को मिलेगी। देख सकते हैं ESD बिल्कुल फट गई है, क्या बात करें दोस्तों। देख सकते हैं आप, इतनी बुरी तरह स्पार्क हुई है कि ESD ब्लास्ट कर गई, फट गई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब। तो अब दोस्तों इसमें ESD नहीं आएगी, लगेगी तो आगे की बात होगी, और उससे पहले इसमें सप्लाई तो ख़राब हुआ ही होगा। तो वीडियो को रोकते हैं यहीं पे जब तक ESD मार्केट से हम ला नहीं देते, ठीक है। तो दोस्तों हमारी ESD आ चुकी है इस टीवी में लगाने के लिए। तो ये रही ESD और इस पर ढेर सारे नंबर लिखे हुए हैं। ये हमने 107 नंबर आपको बताया था लेकिन इसमें कई सारे नंबर हैं, तो आप जान लीजिए नंबर कभी आपको काम देगा। तो 4095, 4095 आई है, 4095 एफ है, फिर उसके बाद 126 और इसमें आपका N3157W, ये जो ST है सब एक ही है। तो नंबर आपको एक ही ST पे मार्केट से हमने लाया इस पर देखने को मिल चुका है हमको। तो इसमें से कोई भी आप मिले तो आप इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं, ESD निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको आपको लगा के दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले निकालने का काम जारी करते हैं अपना हम। तो फिर दोस्तों ये हमने अपनी सर्किट को बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें ESD लगाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, बिना ESD लगाए सबसे पहले एक बार सप्लाई वगैरह चेक कर लेते हैं कि सप्लाई आखिर हमारी सही है या सप्लाई नहीं सही। आप लगाना चाहें तो ESD लगा भी सकते हैं। तो बिल्कुल मैं सबसे पहले इस ESD को बाहर कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सभी पिन और मेन वाली वायर जो है हमारी, इसको निकाल लेते हैं बाहर, अर्थ के साथ निकालेंगे क्योंकि कोई भरोसा नहीं है भले ख़राब है। वैसे ख़राब पे तो नहीं होती है करंट, लेकिन रिस्क नहीं लेना ज़रा सा भी, ठीक है।
हमने ESD को बिल्कुल ही बाहर कर लिया है। अब देखते हैं क्या हमारी टीवी की सप्लाई सही है या फिर ये भी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके अपने काउंटर के नीचे जो रंगा फैला है इसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि कोई पॉइंट सड़ जाता है और सर्किट ख़राब हो जाती है। तो इसमें चिप आईसी भी लगी है, माइक्रो आईसी देख सकते हैं, ये वाली मेन आईसी। बाई चांस अगर कोई पॉइंट सड़ गया तो फिर हो गया काम सर्किट का। तो ठीक है, करते हैं एक तरफ और मेन वायर यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। जैक है, जैक यहाँ पे लगाते हैं सर्किट में और इसको लगाएंगे हम सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में मैंने इसको लगाया, पावर ऑन करते, हो सकता है बटन बंद हो। पावर को ऑन किया तो इसका दोस्तों इंडिकेटर जल रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। वैसे तो नहीं जल रहा था उस समय, लेकिन अब ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका इंडिकेटर ये ऑन है। मैं बंद करता हूँ, अभी भी जल रहा है, तो बंद हो गया। ठीक है, ऑन हो गया, तो पावर सप्लाई बन रही है क्योंकि इंडिकेटर जलने का मतलब। और हम एक बार क्या करते हैं, इसकी सप्लाई नाप भी लेते हैं, मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं क्या पूरी सप्लाई बन रही है या नहीं। मल्टीमीटर ये रहा अपना, और एक वायर अर्थ पे रखते हैं, कहीं पे भी अर्थ रख दें। और ठीक है, 95 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ बनी और ये हमारी ESD से आउट जाती है आउटपुट पे। तो सप्लाई हमारी ओके है, बस ESD लगाना है। तो लगा देते हैं और दिखाते हैं क्या कंडीशन है। तो दोस्तों हमारी ESD लग चुकी है, अब हम यहाँ पे जो जैक हमारे सारे हैं इन सबको लगा लेते हैं। सबसे पहले इसको अपने पिचर ट्यूब पे लगा देते हैं, तो भाई साहब आप लग जाइए। ठीक है दोस्तों, ये लग चुका है। और उसके बाद ये हमारे दो वायर हैं, एक G2 और एक फोकस वाली वायर जो पिक्चर लाएगी, तो दोनों ही पिक्चर के लिए हैं। ठीक, जैक में आराम से लग जाते हैं। निकालने के लिए मैंने आपको नहीं बताया था, यहाँ पे जो इसका पिन दिया रहता है ना, उसको आप दबा के आराम से निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी वीडियो में दोस्तों मैं बता चुका हूँ। तो ठीक है, हमारा ये लग चुका है। तो क्या करते हैं कि सभी जैक को लगा लें, तो आइए बस एक जैक छोड़ते हैं, बाकी सब आइडियो वाली जैक लगा लेते हैं और देखते हैं क्या टीवी ऑन होती है या नहीं। तो ये रहा हमारा 200 वाट का सीरीज लगाया टीवी में। पावर की इंडिकेटर तो जल ही रही थी पहले से ही, अब नहीं जल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो, तो क्योंकि उस समय जल रही थी। उसका रीज़न आपको मैं बता दूं क्यों जल रहा था, क्योंकि ESD को निकाला था हमने। और यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ESD पे इस पिन पे इनपुट होगा तो यहाँ से आउट होता है। तो यहाँ आउटपुट में जो इसको हम बोलते हैं आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आउट हुआ, यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट हो गया, तो ये शॉर्ट कर गया, तो इसलिए ये बंद हो जाएगा। ये कॉइल ही होती है ना, इसलिए। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले मल्टीमीटर से अपना चेक कर लेते हैं बीप आई। तो ठीक है, ये अपने मल्टीमीटर का वायर ख़राब हुआ है, मल्टीमीटर सही है। ठीक है, देखिए अब तो ये देख सकते हैं शॉर्टिंग आ रही है। तो आइए सबसे पहले इस आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेंज करते हैं। यहाँ पे आप 18.03 लगा सकते हैं, वही होगा अभी शायद 21.03 यहाँ पे लगा रहेगा। तो इसको निकालते हैं, स्क्रू खोल से आराम से निकाल सकते हैं। वैसे मुझे पहले इसको लगा लेना चाहिए था, क्योंकि अब थोड़ा सा लगाने में इसको दिक्कत होगा, क्योंकि बीच में ESD आ रही है, मुझे पहले ही चेक कर लेना चाहिए था। तो फिलहाल जो हो गया सो हो गया, अब कर लेते हैं। तो निकालते हैं आउटपुट ट्रांजिस्टर अपना, ये 3 लेग वाला।
ये निकल चुका है, बस यहाँ पे लगा लेते हैं। बड़े वाले का भी साइज़ दिया हुआ है, बड़ा वाला लगा सकते हैं। थोड़ा सा अपना रंगा साफ़ करके लगाते हैं यहाँ पे हम। दोस्तों हमारे पास ये एक बड़ा वाला ट्रांजिस्टर रहा 1803, तो इसको मैं लगाता हूँ इस सर्किट में। पिन को मोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे पिन को मोड़ के लगाया जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमने पिन को मोड़ लिया है, अब इसमें हम लगा के टाइट करते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा ट्रांजिस्टर नहीं लग पाएगा क्योंकि इसका स्क्रू नीचे साइड है, तो छोटा ही लगाना पड़ेगा हमको। तो देखते हैं छोटा ट्रांजिस्टर 1803 2103 कोई सा भी। तो ये एक रहा हमारे पास, लेकिन इसका पिन टूटा हुआ है, तो सोल्ड कर लेते हैं हम। तो इसमें इसका बीच वाला पिन टूट गया है, इसको हम एक वायर से जोड़ लेंगे। दोस्तों ये सोल्ड हो चुका है, बस इसको हम थोड़ा दूर छोड़ के काट देंगे बड़ा करके। ठीक, लगा लेते हैं इसकी अब सर्किट में। स्क्रू टाइट करते हैं अपना हम। दोस्तों हमारा ये आउटपुट ट्रांजिस्टर लग चुका है और अब हम सोल्ड कर लेते हैं इसको। और जो इतना बड़ा पॉइंट हमने अभी किया है, इसको फिर से कट कर लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक, तो आइए अब लगाते हैं इसको पावर में और देखते हैं क्या टीवी हमारी ऑन होती है या नहीं। तो चलते हैं आपको डिस्प्ले पर लेकर। तो अब की बार तो इसका पावर का लाइट जल रहा है, स्टैंड बाय रिलीज करना पड़ेगा इसको हमको। तो देख सकते हैं आप, पावर की लाइट ऐसे तो नहीं दिख रही है। एक मिनट में आपको कैमरा उठा के दिखाता हूँ। तो काफ़ी हल्की है क्योंकि अभी इसका बॉडी खुला हुआ है, पीछे तरफ से लाइट आ रही है, तो अंदर देख सकते हैं जल रही है। तो ऑन करते हैं आगे इसके स्विच से, देखते हैं ऑन होती है या नहीं। तो टीवी हमारी ऑन हो चुकी है, देखते हैं डिस्प्ले क्या कहता है इसका। थोड़ा सा ESD बढ़ाते हैं क्योंकि अभी ESD इसका सेट करना पड़ेगा। टीवी ऑन हो चुकी है, तो लाइट आ चुकी है और हमने इसको सेट कर लिया। तो बस हमारी समस्या सही हो चुकी है, वीडियो वगैरह लगा के चेक कर लेंगे। तो ये भी हो चुका है वीडियो के लिए तैयार टीवी। सिग्नल का वायर लगाते हैं और आपको दिखाते हुए चलते हैं। तो दोस्तों ESDM को थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि लाइट काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसको आप सेट कर सकते हैं ESD के जो दो पॉइंट दिए गए हैं वॉल्यूम के जैसे, बस उन्हीं को आपको घुमाना है और आप सेट कर लेंगे। ठीक है, तो घुमा के देखते हैं।
ठीक है, तो हमारा ये लाइट परफेक्ट सेट हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, लीड हमारा छोड़ दिया, तो प्रॉब्लम हमारी सही है। तो अब हम क्या करेंगे, मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।